हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है और कॉम्पटन इफेक्ट है उसको समझाने में क्लासिकल फिजिक्स है वो क्यों फेल हुई और क्वांटम फिजिक्स ने उसको कैसे एक्सप्लेन कर दिया था। इसके साथ ही हमने कॉम्पटन शिफ्ट का जो डेरिवेशन था वो कर लिया था। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ इक्वेशन प्राप्त की थी। ये हमारे पास एक एक्सरे फोटोन था जो इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हो रहा था और इलेक्ट्रॉन हमारा रिकॉइल हुआ था, उसकी डायरेक्शन थीटा थी और फोटोन की जो स्केटरिंग की डायरेक्शन थी वो हमारी फाई थी। फिर हमने संवेग संरक्षण का नियम लगाया था तो उसमें एक इक्वेशन हमारी अक्ष दिशा में ये मिली थी और वाई दिशा में ये मिली थी। और इन दोनों समीकरण और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम था, इन तीनों का उपयोग करते हुए हमने क्या निकाली थी, कॉम्पटन शिफ्ट निकाली थी। उस शिफ्ट से जस्ट एक स्टेप पहले अपने को ये फॉर्मूला मिला था, पिछले लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। तो आज हम निकालते हैं जो हमारा इस प्रतिचिप्त या रिकॉयल इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन थीटा है वो क्या होगी, ये हम निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन या प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। इलेक्ट्रॉन है वो किस दिशा के अंदर गति करेगा ये हमें चाहिए। तो हमारे पास पिछले लेक्चर में संवेग संरक्षण के नियम से दो समीकरण प्राप्त हुई थी, वो समीकरण हमारी क्या हैं, ये हैं, हमें चाहिए डायरेक्शन। तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन का मतलब है हमें ये थीटा एंगल चाहिए, किस एंगल पे ये इलेक्ट्रॉन हमारा चल रहा है। तो समीकरण दो में अगर मैं समीकरण एक का भाग दे देता हूँ, समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देने पर क्या आएगा, एम वी सी साइन थीटा अपॉन एम वी सी कोस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू प्राइम साइन फाई अपॉन एच न्यू माइनस न्यू प्राइम कोस फाई, यही आएगा। यहाँ से देखो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसकी वैल्यू हमारी होती है टेन थीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, ऊपर हमारे पास क्या है न्यू प्राइम और नीचे हमारे पास क्या है न्यू माइनस न्यू प्राइम। तो साइन फाई न्यू प्राइम, नीचे वाले समीकरण में मैं न्यू प्राइम अगर कॉमन ले लेता इन दोनों पदों में, तो पहला पद हमारा क्या बनेगा, न्यू अपॉन न्यू प्राइम माइनस इसमें से न्यू प्राइम बाहर आ गया कोस फाई, न्यू प्राइम से हमारा न्यू प्राइम कैंसिल हो गया। तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन न्यू प्राइम माइनस कोस फाई। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, न्यू अपॉन न्यू प्राइम, इसके लिए हमारे पास समीकरण कौन सी है, समीकरण तीन, समीकरण तीन से, समीकरण तीन में देखो हमारे पास क्या है, न्यू माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू न्यू प्राइम है। तो क्या कर लेते हैं अपन, मैं इस न्यू को इधर ले जाता हूं तो क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू प्राइम, इस न्यू को क्या कर रहा हूं मैं इस साइड में लेके जा रहा हूं, तो राइट साइड हमारी हो जाएगी एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस फाई आएगा या नहीं आएगा, इस न्यू प्राइम का भाग दे देते हैं इस समीकरण में दोनों पदों में, तो न्यू अपॉन न्यू प्राइम माइनस न्यू प्राइम में न्यू प्राइम का भाग देंगे तो क्या आएगा, वन इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस फाई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, न्यू अपॉन न्यू प्राइम की, तो क्या आ जाएगा, न्यू अपॉन
न्यू प्राइम इज इक्वल टू वन राइट साइड में जाएगा, वन प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर वन माइनस कोस फाई। ये न्यू अपॉन न्यू प्राइम की जो वैल्यू है वो उठा के अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण चार। समीकरण चार से न्यू अपॉन न्यू प्राइम का मान किस में रख लेता हूँ, मैं टेन थीटा की वैल्यू में रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहीं पर रख दे रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारा साइन फाई अपॉन न्यू प्राइम की वैल्यू वन प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस फाई। ये वैल्यू किसकी रख दी मैंने, न्यू अपॉन न्यू प्राइम की। फिर क्या है हमारे पास, माइनस कोस फाई, यही है क्या। इसको हम सोल्व कर लेते हैं अब आगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वन माइनस कोस फाई अपना एक साथ हो जाएगा। इस समीकरण से हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, हमारे पास आएगा देखो ये वैल्यू मैं उठा के इसमें रख दिया मैंने, तो अपने पास टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आएगा, साइन फाई अपॉन वन के साथ लिख लेता हूँ मैं कोस फाई को, वन माइनस कोस फाई प्लस एच न्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस फाई। इन दोनों पदों में देखो वन माइनस कोस फाई यहाँ भी है यहाँ भी है, मैं क्या कर लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन फाई अपॉन वन माइनस कोस फाई कॉमन आ गया। इसमें क्या बचेगा, वन प्लस इसमें बच जाएगा कितना, एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा, मगर मान लेता हूँ माना एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा एल्फा, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन फाई अपॉन वन प्लस एल्फा इंटू वन माइनस कोस फाई। ये हमारी क्या है, डायरेक्शन है किसकी, स्केटर्ड सॉरी रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की। क्या है ये हमारी, रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। हमें क्या चाहिए था, थीटा चाहिए था, अगर मैं थीटा लिखूंगा तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स साइन फाई अपॉन वन प्लस एल्फा इंटू वन माइनस कोस फाई। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अर्थात थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम फाई एंगल हम खुद फिक्स करते थे एक्सपेरिमेंट के अंदर कि हम हमारा डिटेक्टर है वो किस एंगल पर रख रहे हैं, तो फाई हमारे लिए क्या रहेगा, नॉन रहेगा, एक ज्ञात राशि रहेगी। एल्फा की वैल्यू एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, हमने किस एनर्जी का फोटोन डाला है उससे हमारे पास एल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी, और बाकी सारे पद हमारे पास नॉन है, तो यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, जो क्या है हमारे रिकॉयल या प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा है। इस समीकरण को मैं नाम दे देता हूँ, इसको समीकरण पाँच और इसको समीकरण छः। ये हमारी हो गई है रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। अब हमें चाहिए जो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी के साथ चलेगा, तो हम निकाल लेते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई दिक्कत हो, होनी तो नहीं चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इसको मैं मिटा देता हूं, साथ साथ नोट्स बनाते रहना अपने, और बुक है वो जरूर खरीद लेना।
क्या चाहिए हमें? प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अब देखो हमारे पास हो क्या रहा था, एक एक्सरे फोटोन था जिसकी एनर्जी कितनी थी, एच न्यू थी, वो किस पे गिर रहा था, ग्रेफाइट ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन था उस पे गिर रहा था, जिससे इलेक्ट्रॉन तो हमारा हो रहा था रिकॉइल और फोटोन है वो क्या हो रहा था, स्केटर्ड हो रहा था। तो स्केटर्ड फोटोन की एनर्जी वो कितनी थी हमारी, एच न्यू प्राइम थी या नहीं थी। तो इस जो इक्वेशन है उसमें अगर एनर्जी का कंजर्वेशन हम लगाते हैं, तो एनर्जी को अपन क्या कंजर्व क्वांटिटी है एनर्जी, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, हमारा जो क्या था इंसिडेंट फोटोन था उसकी एनर्जी कितनी थी, एच न्यू। ये किसके बराबर होनी चाहिए अपनी, स्केटर्ड फोटोन की एनर्जी एच न्यू प्राइम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके बराबर आ जाएगी, इसको इधर रखूँ इसको इधर लेके आऊँ तो क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू प्राइम आएगी या नहीं आएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एच इसमें से न्यू कॉमन निकाल लो मैं तो क्या आएगा, वन माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू इस समीकरण से लिख सकते हैं क्या अपन, इस समीकरण में देखो हमारे पास क्या है, न्यू अपॉन न्यू प्राइम है, तो मैं इस समीकरण को रिवर्स कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू प्राइम अपॉन न्यू आ जाएगा। तो समीकरण चार से मैं लिख सकता हूं न्यू प्राइम अपॉन न्यू इज इक्वल टू वन अपॉन, इसको रिवर्स करूंगा तो ये किस में चला जाएगा, वन के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो वन के हर में ये राशि जाएगी तो क्या आ जाएगी, वन प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस फाई आएगा या नहीं आएगा। ये मान उठा के अपने को क्या करना है, यहाँ रख देना है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, एच न्यू इंटू वन माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू की वैल्यू क्या है, वन अपॉन वन प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस फाई आएगा या नहीं आएगा। एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर को हमने क्या माना था, एल्फा माना था, क्या मान लिया था, एल्फा मान लिया, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूं, एल्फा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी एच न्यू इंटू वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एल्फा इंटू वन माइनस कोस फाई, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। इसका क्या कर लेता हूँ मैं, लघुतम ले लेता हूँ, अंश में हर में क्या आएगा लघुतम, वन प्लस एल्फा वन माइनस कोस फाई आएगा या नहीं आएगा, इधर वन है तो क्या आएगा, वन प्लस एल्फा इंटू वन माइनस कोस फाई माइनस क्या आएगा, वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इस समीकरण से देखो देखें वन से क्या हो गया, वन कैंसिल, अंश में बचा हमारे पास अल्फा इंटू वन माइनस कोस फाई डिवाइडेड बाई, हर में हमारे पास क्या है, वन प्लस अल्फा इंटू वन माइनस कोस फाई, और गुणा में क्या है हमारे पास एच न्यू, ये क्या आ जाएगी हमारा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। यहाँ से हम जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त हुआ उसकी ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, इसमें सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या है, नोन है। फाई हम डिटेक्टर को किस एंगल पर रख रहे हैं उससे हमें क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। एच न्यू क्या है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। एल्फा क्या था अपना, एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर, जहाँ एच न्यू क्या है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। एम नोट क्या है, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का, जो क्या होता है, फिक्स क्वांटिटी होती है। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो भी क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी। इसका मतलब सारी राशियां हमारे पास नोन है, और इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, किसकी, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की। अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है उसका रेशियो क्या होगा, तो वो रेशियो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या थी हमारी, एच न्यू, उनका रेशियो क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू, हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में एच न्यू का भाग दिया है, तो राइट साइड में काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है, इसमें एच न्यू का भाग दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा, अल्फा इंटू वन माइनस कोस फाई डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा इंटू वन माइनस कोस फाई। अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा कब लेके जाएगा, तो ये राशि मैक्सिमम कब होगी, जब हम लिख दें फाई हमारा क्या है 180 डिग्री, क्या है फाई 180 डिग्री है, उस केस में कोस फाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी माइनस वन, ये मान मैं इसमें रखता हूँ तो क्या जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच न्यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू वन माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा, वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फा इंटू वन प्लस वन क्या जाएगा, इज इक्वल टू टू अल्फा अपॉन वन प्लस टू अल्फा, ये क्या आ जाएगा हमारा रेशियो आ जाएगा किसका, काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी का। तो ये है हमारा जो लेखा जोखा है वो हमारा किसका है, कॉम्पटन इफेक्ट का है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, देखो न्यूमेरिकल है, हमें दिया है एक एक्सरे फोटोन है जिसकी लैम्डा कितनी है 0.708 एंगस्ट्रॉम, ये पाई बाई टू कोण पे क्या हो रहा है, स्केटर्ड हो रहा है, तो हमें निकालना है इस स्केटर्ड, ये जो लैम्डा है वो इंसिडेंट है, और जब ये ग्रेफाइट ब्लॉक पे इंसिडेंट हो रही है तो पाई बाई टू एंगल पे क्या हो जा रही है, स्केटर्ड हो जा रही है, हमें निकालना है स्केटर्ड फोटोन की लैम्डा प्राइम और इलेक्ट्रॉन की थीटा निकालना है, इलेक्ट्रॉन किस एंगल पे रिकॉइल हो रहा है वो एंगल हमें चाहिए। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या था अपना, एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कोस फाई, ठीक है, डेल्टा लैम्डा क्या चीज थी अपनी, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कोस फाई, यहां से हमारे पास लैम्डा प्राइम कितना जाएगा, लैम्डा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कोस फाई, फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो लैम्डा प्राइम कितना जाएगा, लैम्डा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन, मान रखना आपको और कुछ नहीं करना, एच की वैल्यू रखनी है, एम जीरो की रखनी है, सी की रखनी है, लैम्डा आपको दे रखा है ऑलरेडी, आपको क्या मिल जाएगी, लैम्डा प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। इसके साथ आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चाहिए, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या आया था हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था अपना टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन न्यू प्राइम माइनस कोस फाई, यही था क्या, तो अपने को क्या कर देना है, साइन फाई, फाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन
न्यू अपॉन न्यू प्राइम माइनस कॉस फाई, कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या इसका, न्यू प्राइम अपॉन न्यू। यहाँ से आपने लैम्डा प्राइम भी निकाल ली, लैम्डा भी दे रखा है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, न्यू प्राइम इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा प्राइम। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, न्यू प्राइम अपॉन न्यू क्या आ जाएगा, सी अपॉन लैम्डा प्राइम अपॉन सी अपॉन लैम्डा। तो ये क्या आ जाएगा, न्यू प्राइम अपॉन न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन लैम्डा प्राइम। तो इसकी वैल्यू है वो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्राइम के इक्वल आ जाएगी, जो किसका मान आएगा, टेन थीटा का। आपको क्या चाहिए, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, टेन इनवर्स लैम्डा अपॉन लैम्डा प्राइम। ये हमारा क्या आ जाएगा, रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। यहाँ आप इसको एक फॉर्मूला मत मान लेना कि रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन टेन इनवर्स अपॉन लैम्डा प्राइम होती है, ये हमेशा नहीं होती है। कब होती है, जब हमारा फाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, उस केस में ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो, और ये हमारा है कॉम्पटन इफेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।